फ्रेंड्स अब देखते हैं हम ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स को अगर देखें तो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय ए थीटा। ए थीटा क्या होता है? हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हम पहले कॉन्जुगेट निकालें, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्म निकालें, या फिर हम कहें कि उस मैट्रिक्स का पहले हम ट्रांसफॉर्म निकालें। इस तरह से ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका हम कॉन्जुगेट निकालें, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होगा। यानी बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का हमने पहले ट्रांसपोज निकाल लिया या हमने उसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। सपोज हमने पहले इसमें कॉन्जुगेट निकाल लिया, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए जहाँ ए माइनस आयोटा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस पुट कर देना, तो ए प्लस आयोटा और टू माइनस आयोटा हो जाता है ये, और ये सेवन प्लस आयोटा। अब इस जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, इस फर्स्ट रो को यानी कॉन्जुगेट निकालने के बाद उस रो को उस कॉलम में चेंज कर दें, तो ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो गया। तो जैसे वन माइनस आयोटा को वन प्लस आयोटा, टू प्लस आयोटा सॉरी टू प्लस आयोटा को नेट टू माइनस आयोटा, और सेवन माइनस आयोटा को सेवन प्लस आयोटा। इस तरह से टू प्लस आयोटा को टू माइनस आयोटा, थ्री प्लस आयोटा को थ्री माइनस आयोटा एंड टू प्लस आयोटा को टू माइनस आयोटा पुट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये पुट करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स निकलता है वो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होता है। तो बेसिकली यहाँ से डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम पहले उसका ट्रांसपोज निकालें, उसके बाद हम कॉन्जुगेट निकालें, तो भी हमारे पास वो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है। या फिर हम कहें पहले हम उसका कॉन्जुगेट निकालें, उसके बाद हम ट्रांसपोज निकालें, तो भी हमारे पास वो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम ट्रांजुगेट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं।